हाउ आर योर स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप कि आप अपने घर पे सेफ होंगे और सुरक्षित होंगे। अच्छे हैं ना ये। तो आपका जीनियस ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। ठीक है बेटे, तो आज हम करने जा रहे हैं हिंदी व्याकरण का चैप्टर नंबर 10 और चैप्टर का नेम है क्रिया, पेज नंबर 47। ठीक है बेटे, तो क्रिया, फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मैं क्रिया के बारे में बता रही हूँ। क्रिया क्या होती है? किसी कार्य का होना या करना जहाँ पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी क्रियाएं हो सकती हैं? जैसे बच्चे खेल रहे हैं, पापा अखबार पढ़ रहे हैं, मोर नाच रहा है। ठीक है, तो ये क्या है? आदि क्रियाएं हो रही हैं। ठीक है बेटा, यहाँ पर क्रियाएं, कुछ क्रियाएं अपने आप भी होती हैं और कुछ की जाने वाली क्रियाएं होती हैं जिसके बारे में हम इस चैप्टर में आगे समझेंगे और पढ़ेंगे। ठीक है बेटे, पेज नंबर 47 निकालिए। तो फर्स्ट यहाँ पर आपको एक चित्र दिखाई दे रहा है बेटे, इसे ध्यान से देखिए। क्या दिखाई दे रहा है इसमें? कि यहाँ पर बच्चों, आपने देखा ऊपर के चित्र में क्या दिखाई दिया आपको? कुछ ना कुछ कार्य हो रहा है, यानी कि यहाँ पे क्या है? क्रिया हो रही है। जैसे सूर्य उदय हो रहा है, यानी कि सूरज उग रहा है ना, तो ये क्या भी क्रिया हो रही है। तो ये सूर्य का उदय होना अपने आप होने वाली क्रिया। ठीक है बेटे, तो नेक्स्ट है, पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, माँ चाय ला रही है, माली पौधों को पानी दे रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, जूली खिड़की से झांक रही है, ये सभी क्रियाएं हैं, है ना बेटा? देखा, अब आपने जैसे पढ़ा है तो उसके अंदर भी यही बात समझ में आ रही है कि यहाँ पर क्या बताया जा रहा है? पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यानी कि यहाँ पर पिताजी भी क्या है? काम कर रहे हैं, यानी कि अपनी क्रिया कर रहे हैं। ठीक है, माँ चाय ला रही है, तो माँ है वो भी अपना काम कर रही है। यहाँ पर भी क्या है? जो क्रिया का होना पाया जाता है या पाया जा रहा है। माली पौधों को पानी दे रहा है, माली भी अपना काम कर रहा है, यहाँ पर भी क्या है? वो क्रिया कर रहा है। जूली खिड़की से झांक रही है, यानी कि जूली है जो खिड़की से बाहर देख रही है, जूली भी एक काम कर रही है या क्रिया का यहाँ पर होना पाया जा रहा है। ठीक है बेटे, यहाँ पे मैं आपको क्रिया की परिभाषा बता रही हूँ, आई होप कि आप उसे अच्छे से लर्न करेंगे और राइट करेंगे। ठीक है बेटा, परिभाषा क्रिया की, तो क्रिया की परिभाषा है वो क्या है? जिन शब्दों से किसी कार्य का करना जिन शब्दों से किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है वे क्या कहलाती है? क्रिया कहलाती है। ठीक है बेटे, कि जिस कार्य से का होना या करना पाया जाए उसे हम क्या कहते हैं? क्रिया कहते हैं। ठीक है बेटे, नेक्स्ट देखिए, कुछ कार्य किए जाते हैं और कुछ कार्य समय होते हैं, यानी कि अपने आप होते हैं, और कुछ कार्य जो अपने आप होते हैं वो कौन से हैं? जैसे अभी आपको जैसे मैंने बताया था कि सूर्य उदय हो रहा है, ठीक है, यानी कि सूर्य उग रहा है, यह है अपने आप होने वाली एक क्रिया है। और जैसे आसमान में तारे टिमटिमा रहे हैं, वो भी अपने आप होने वाली क्या है? एक क्रिया है। और एक और एग्जांपल, जैसे आपको उदाहरण में आपको एक और बताती हूँ, जैसे हवा चल रही है, हवा का चलना भी क्या है? अपने आप होने वाली एक क्रिया है। और आगे जो है, कुछ क्रियाएं जो की जाती हैं उसके तो एग्जांपल जो उदाहरण है वो काफी हैं, जैसे कि पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, यहाँ पर पिताजी समय कोई काम कर रहे हैं, यह क्रिया है जो करने
करने वाली है या स्वयं की करने वाली है, ठीक है। और बच्चे खेल रही हैं, माँ खाना पका रही है, मोहन खेल रहा है, राम दौड़ रहा है, ये जो क्रियाएं हैं की जाने वाली क्रियाएं हैं। तो इसके कुछ शब्द हैं जैसे कार्य का होना करना, जो कार्य हो रहे हैं उनके उदाहरण मैं आपको यहाँ पे लिखवा रही हूँ, तो वो आप अच्छे से राइट करोगे और लर्न करोगे कि कौन सी क्रियाएं हैं जो की जाती है। जैसे फर्स्ट है बैठना, सेकंड है पढ़ना, फिर है खेलना, फोर नंबर पे है हंसना और रोना, खाना पीना, ऐसी कई और भी हैं जैसे नहाना, सुखाना, कार्य करने की जितनी भी क्रियाएं हैं वो ये हैं। और भी हो सकती हैं बेटे, जैसे चलना, खिलाना, खेलना, रोकना, ठीक है, बोलना, पीना, जितनी भी हैं कुछ ना कुछ यहाँ पर, जो कुछ मैंने एग्जांपल आपको यहाँ पे उदाहरण दिए हैं क्रिया के होने की, लेकिन कुछ है जो आपकी मतलब आप खुद से भी आप उसको समझ सकते हो, सुनना, गाना, कूदना, ठीक है, उगाना, पकाना, जितनी भी है जो क्रियाओं के जो कार्य, जितने भी कार्य हो रहे हैं उनको हम क्या कहेंगे, क्रिया कहेंगे, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे जो कुछ मैंने यहाँ पे उदाहरण दिए हैं और फर्स्ट जो आपको क्रिया की परिभाषा बताई है, आई होप कि आपको अच्छे से समझ आई होगी, ठीक है बेटे। तो क्रिया की परिभाषा तो बहुत ज़्यादा ईजी है, इतनी ईजी है कि आप एक लाइन में किसी भी कार्य को देख के ही आपको याद आ जाएगा कि हाँ यहाँ पर क्या है, क्रिया हो रही है। तो जिन शब्दों से किसी कार्य का होना या करना पाया जाए वो क्या कहलाती हैं, क्रियाएं कहलाती हैं, ठीक है बेटा। आई होप कि ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ आया होगा, अगर नहीं आया तो इस चैप्टर को आप दोबारा से इस वीडियो को अच्छी तरह से सुनना और देखना, ठीक है बेटे। स्टे होम, सेफ होम, हैव ए नाइस डे, हैव ए गुड डे, टेक केयर।